बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाए गए चाइनीज़ चिकन रोल कबाब। अब आपको बाज़ार के चिकन रोल लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर पर ही आसानी से लज्जतदार कबाब बनाना सिखाएंगे। बहुत ही थोड़े कीमे से किस तरह ज़्यादा कबाब बनकर तैयार होते हैं और पूरा रमज़ान महीना इसे फ्रीज़र में किस तरह स्टोर करते हैं वो भी आपको बताऊँगी। तो चलिए ये चाइनीज कबाब रोल किस तरह बनते हैं देख लेते हैं। चाइनीज रोल कबाब बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसे आधा ग्लास पानी डालकर हम पहले बॉईल कर लेंगे। टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डालेंगे और चिकन का रंग चेंज होने तक हम इसे एक मिनट के लिए पहले सुखा लेंगे। आप यहाँ पर हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हो, मैंने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन में से जो भी पानी निकलता है उसे एक मिनट के लिए हम सुखा लेंगे। यहाँ पर मैं चिकन के रोल कबाब बना रही हूँ, आप चाहे तो मटन के भी बना सकते हो। एक मिनट हो गया है, अब इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे। यहाँ पर हम आधा ग्लास ही पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि चिकन जब अच्छी तरह से गल जाएगा तो इसका सारा पानी हमें सुखा ही लेना है। अब इसे ढककर 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चिकन के गलने तक पका लेते हैं। 10 मिनट हो गई है, चिकन को हम चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी अच्छे से सूख चुका है, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है और चिकन को भी पूरी तरह से हमें गला लेना है। तो इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे। उसके बाद मिक्सर में हम कीमे की तरह इसे पीस लेंगे। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी इसके रेशे कर सकते हो। उबले हुए चिकन को मिक्सर में डालकर मैंने बारीक कीमे की तरह बना लिया है। अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम चाइनीज कबाब बना रहे हैं, इसीलिए इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो एक कटोरी भर के मैंने पत्ता गोभी को बारीक बारीक काट कर लिया है, ये डालेंगे। एक कटोरी मैंने गाजर को क्रश करके लिया है। एक कटोरी भर के हमने हरी प्याज ली है, जिसमें व्हाइट पार्ट और हरा पार्ट दोनों लिया है। इसकी जगह पर आप जो नॉर्मल प्याज होती है वो भी ले सकते हो। अब यहाँ पर बाइंडिंग के लिए 3 उबले हुए आलूओं को मैंने अच्छे से मैश करके लिया है। इससे बाइंडिंग भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तो ये डाल देते हैं। 7 से 8 मैंने हरी मिर्च को क्रश करके ली हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और 8 से 10 लहसुन की कलियां ली थी, इसे भी हमने क्रश कर लिया है। क्रश किया हुआ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अदरक लहसुन का। 2 टीस्पून मैंने दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च ली हूँ, आप इसकी जगह पर लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो। 1 टीस्पून मैंने दरदरी कुटी हुई काली मिर्च ली हूँ। अब यहाँ पर हम चाइनीज फ्लेवर में ये बना रहे हैं, इसीलिए इसमें 1 टीस्पून व्हाइट विनेगर डालेंगे। जो नूडल्स वगैरह में डालते हैं ना, हम वही विनेगर लिया है मैंने। 1.5 से 2 टीस्पून मैंने सोया सॉस लिया है। यहाँ पर हम चाइनीज रोल बना रहे हैं, इसीलिए मैंने सोया सॉस और विनेगर लिया है। आप इसे डाले बिना भी नॉर्मल कबाब बना सकते हो। अब टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डालेंगे। तो नमक हमने चिकन को बॉईल करते टाइम पर भी डाला है और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक आप देखकर डालें। 1 टीस्पून मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ, आप इसकी जगह पर तेल भी ले सकते हो, लेकिन घी डालने से कबाब हमारे अंदर से अच्छी तरह से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो अच्छी तरह से हम ये सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। हमने जो भी सब्जियां ली है उसके अलावा आप शिमला मिर्च को भी बारीक काट कर ले सकते हो या फिर बीन्स को भी बारीक काट कर ले सकते हो। 1 टीस्पून में इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी, मैं ये बताना भूल गई थी, तो डालकर हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। रमजान महीने में इस तरह से आप ये कबाब रोल बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें हमने उबले हुए आलू डाले हैं। आप चाहे तो नूडल्स को भी बॉईल करके डाल सकते हो इसमें, और जो भी सब्जियां आपको पसंद है वो इसमें डाल सकते हो। यहाँ पर कबाब का मिक्सर मुझे थोड़ा सा ढीला लग रहा है, तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स डालूंगी। तो आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें ब्रेड क्रम्स डाल सकते हो। 2 से 3 ब्रेड लेकर आप इसे मिक्सर में दरदरा सा पीस ले और इस तरह से ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं हमारे। तो 3 टीस्पून मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिया इसमें। तो यहाँ पर आटे की तरह मैंने गूंदकर इसे तैयार कर लिया है। अब इसके हम कबाब रोल बना लेते हैं।
अब हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है और ये बैटर ले लेंगे। अब कबाब रोल को मैं सिलेंडर की शेप में बना रही हूँ, तो आप जैसे शेप में बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। तो इस तरह से रोल की शेप में मैं बना रही हूँ, देखिए। आप थोड़े बड़े साइज के भी ये रोल बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से रोल बना लिए है मैंने, बहुत ही आसानी से ये रोल बन जाते हैं। तो इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से बाकी सारे रोल बना लेते हैं हम। यहाँ पर सभी चाइनीज रोल को बनाकर तैयार कर लिया है मैंने और आप देख सकते हो कि 500 ग्राम कीमे से ही 35 के आसपास हमारे रोल बनकर तैयार हुए। लेकिन आप फिर भी इसकी क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ाना चाहते हो तो एक दो उबले हुए आलू और ज्यादा डाल सकते हो या फिर बॉयल नूडल्स को भी ज्यादा डाल सकते हो, जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और इसे रमजान में आप डीप फ्रीजर में रखकर 20 से 25 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि इसे फ्राई किस तरह करते हैं। अब देखिए चाइनीज रोल को हमें फ्राई करने से पहले ब्रेड क्रम्स बना के रख लेना है। तो यहाँ पर 4 से 5 ब्रेड को मैंने पंखे के नीचे सुखा लिया था और ब्रेड जब अच्छे से सूख जाए तो इसे हमें मिक्सर में पीस लेना है। तो इस तरह से मैंने बारीक पीस लिया इसे और ये ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार है। और 2 अंडे लिए हैं हमने, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब एक रोल ले लेंगे हम और उस पर ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा लेना है। तो चारों तरफ अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। आप चाहे तो पहले इसे अंडे में भी डिप कर सकते हो, उसके बाद ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राई कर सकते हो। अब इसे अंडे में डिप करेंगे हम। गैस पर मैंने तेल को भी गर्म करने रख दिया है इसे फ्राई करने के लिए। तो इस तरह से उठा के हमें फ्राई कर लेना है। तो चलिए इसे फ्राई करने के लिए गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है, गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो करेंगे और इसे डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज्यादा गरम तेल में भी इसे हमें नहीं डालना है। यहाँ पर चिकन भी हमारा बॉयल है और आलू को भी हमने बॉयल करके लिया है, तो इसे ज्यादा देर तक हमें फ्राई नहीं करना है। तो हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। आप चाहे तो इन कबाब को शैलो फ्राई भी कर सकते हो, यानी कम तेल में भी फ्राई कर सकते हो। तो पहले थोड़ी देर इसे हम फ्राई होने देते हैं, उसके बाद पलटेंगे हम। तो 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। अब इसे धीरे रहकर मैं पलट लेती हूँ। तो हल्का गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। बस 2 से 3 मिनट में ही ये फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि आलू भी इसमें बॉयल है और जो हमने चिकन लिया है वो भी बॉयल करके लिया है, तो बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसे उलटते पलटते 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है और ये आप देख सकते हो कितने मजे के दिख रहे हैं ये। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे हम फ्राई कर लेते हैं। तो अभी आपको दिखाने के लिए इतने कबाब फ्राई किए हमने, बाकी के मैं डीप फ्रीजर में रख दूंगी और इसे टमाटर केचप के साथ सर्व कर लेते हैं। अगर कोई अचानक मेहमान आ जाए तो आप इसे फ्रीज में से निकालकर फ्राई भी करके दे सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा हमने जो भी वेजिटेबल इसमें डाली है, ये कबाब खाने में इतने मजेदार बनते हैं कि बच्चे भी इसे आराम से खाएंगे। तो इस रमजान इस रेसिपी को आप जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।